स्टेट पर मौजूद कायदे मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, आज के सदर जो मेहनत है वो कुछ घंटों की नहीं, कुछ महीनों की नहीं, कुछ दिनों की नहीं, कुछ सालों की नहीं, बल्कि ये गुज़िश्ता 4 सालों की मेहनत है जिसका आज हमें फल देखने को। फंक्शन हॉल, तमाम शादी के हॉल हुकूमत की तरफ से बंद कर दिए गए। इस गुंजान आबादी में शादी की तकलीफ की आगे जाकर एक बड़ी इमारत में तब्दील होगा। इसमें कुछ ही लोगों की गुंजाइश थी शादी करने के लिए। इस महल्ले के गरीब गुरबा बड़े हॉल के एक नजात उठाने का तमाम लोगों का जिन्होंने इस सब की बुनियाद के लिए मेहनत की। अब रहा सवाल, इतने सालों से वार्ड सोहेल मास्टर और जो हजरात स्टेज पर तशरीफ फरमा है और स्टेज के सामने जितने हजरात कुर्सियों पर तशरीफ फरमा है, खड़े होकर के इस मकसद इस प्रोग्राम में शरीक हैं। किसी ने कहा है कि थे बालों पर शिकस्ता सजा हौसला शिकन, तेरा चरण के कुव्वत परवास पा गए। अल्लाह का एहसान और करम है कि अल्लाह ताला ने अपने शहर की खिदमत का मौका अता किया। अल्लाह की रहीम व करीम जात से ये उम्मीद है कि जिन तवक्कुआत और उम्मीदों के साथ हमने सियासत में कदम रखा था उसकी तकमील के लिए हमारी मदद की जाएगी। मालेगांव के लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया और दूसरी मर्तबा मुझे खिदमत का मौका दिया। इस वार्ड के जितने भी हमारे हमलावा हैं जिन्होंने हमारी मदद की और इलेक्शन के मौके पर बगैर किसी मुआवजे के उन्होंने हमारा साथ दिया, अपने कीमती वोटों से नवाजा, उनके कुछ तकाजे थे और हमने ये वादा किया था कि अगर अल्लाह ने इज्जत दी और काम करने का मौका मिला तो आपके वादों की तकदीर की जाएगी। उन वादों में इस हाल का संगे बुनियाद और उसकी तकदीर का प्रोग्राम भी था। चुनकर आने के बाद तकरीबन 1.5-2 महीने ऐसे गुजरे कि हमारे इस महाराष्ट्र के अंदर सरकार ही नहीं बनी थी। अल्लाह अल्लाह करके सरकार बनी तो लॉकडाउन का मसला आ गया और तकरीबन 2 साल का अरसा इसी में गुजर गया। चुनकर आने के बाद ये 3रा साल है जब हमें खुल करके काम करने का मौका मिला। हमने पूरी दयानतदारी के साथ इस बात की कोशिश की कि बरसरे इक्तदार जो सियासी पार्टियां हैं अगर से हम उनसे ताल्लुक नहीं रखते, जैसे कांग्रेस है, एनसीपी है और शिवसेना इनकी सरकार थी और आज उसके बाद शिवसेना का जो गुट अलग हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके उन्होंने सरकार बनाई है, हमारा इन तमाम सियासी पार्टियों में से किसी से ताल्लुक नहीं। और आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जिनकी सत्ता होती है, जिनकी सरकार होती है, वो अपने ही लोगों को फंड देते। ऐसे लोग जो उनके मददगार ना हो सरकार बनाने में, उनको वो फंड नहीं देते। हम MIM से चुन करके आने वाले 2 कारपोरेटर हैं, मालेगांव से मैं हूँ और भूलिए से हमारे साथी फारूक शाह साहब हैं।
पद हासिल करने के लिए कितनी जद्दोजहद और कोशिश करनी पड़ रही है वो हमें पता है। जाहिर बात है ये पार्टियां मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपना दुश्मन समझती और उनका ये गुमान है कि अगर महाराष्ट्र के अंदर ये पार्टी रहेगी तो हमें सियासी तौर पर नुकसान होगा, इसलिए मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को खत्म करने के लिए जितने जतन हो सकते हैं ये सियासी पार्टियां कर रही हैं। ऐसे नामुसाइद हालात में फंड लाना और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करवाना बहुत मुश्किल, लेकिन अल्लाह का एहसान और करम है कि अगर नीयत अच्छी हो तो अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है। हमने तकरीबन 50 करोड़ रुपए का फंड मांगा, 51 करोड़ रुपए का हमने फंड मांगा था, उसमें से 50 करोड़ रुपए को उन्होंने मंजूरी दी है इस माना करके कि जब नई सरकार ये बनी है, पिछली सरकार ने ये बात ये काम जब फाइनल स्टेज पर आया तो महाराष्ट्र के हालात सत्ता को लेकर के बिगड़ गए, हमारा वो काम रुक गया। आज जब नई सरकार का गठन हुआ है तो ये काम पेंडिंग चल रहा था कि अब जब तक जो है दीगर वजारतें तश्कील नहीं पाती है वहां तक कोई कामकाज नहीं होगा, हम इंतजार करते रहे। अब जा करके कैबिनेट बनी है और जितने भी डिपार्टमेंट है उनकी तकसीम अमल में आई है। हमें अल्लाह की जात से उम्मीद है कि हमने जो मेहनत की है उस मेहनत के सिले में हमारा 50 करोड़ रुपए का फंड मंजूर होगा और इंशा अल्लाह शहर के अंदर आप देखोगे कि हमने काम की जो शुरुआत की है और क्वालिटी देने का जो फैसला लिया था हमें उसमें कामयाबी मिलेगी और आप अपने चश्मे सर से देखोगे कि यहाँ मालेगांव के अंदर काम होगा और मिसाली काम होगा। मालेगांव के अंदर जो हॉट भिक्स का रोड होता था कि रातों रात पूरा रोड बना दिया जाता था और 6 महीने नहीं होते थे वो रोड खत्म हो जाता था, अगर उसकी मिसाल देखनी हो तो आप सुलेमानी कब्रस्तान से लेकर के मुंशी साहब दरबार उनकी दरबार मकबरे तक जो बीच का हिस्सा हमने सुलेमानी मस्जिद से लेकर के पवारवाड़ी तक रोड हमने डाला, सीमित रोड डाला ताकि ये हमेशा की मुसीबत और तकलीफ खत्म हो जाए। ये काम मंजूर हो गया, उसके बाद इन लोगों ने 18 लाख रुपए का बीच में पेवन लगा दिया और उस काम को उन्होंने रोक दिया। कॉर्पोरेशन उनके हाथ में है, जब एक मर्तबा किसी काम के लिए एनओसी दे दी गई तो दूसरे किसी को एनओसी नहीं देनी चाहिए, लेकिन कहते हैं ना कि अंधा बांटे रेवड़ी और किसको देते हैं वो लोग जो उनके अपने होते। आप अगर जानकारी लोगे तो ये 18 लाख रुपया जो फूक लगाने की शक्ल में वहां पर खर्च किया गया 2 महीने भी नहीं हुए वो 18 लाख रुपया खत्म हो गया। कॉर्पोरेशन के खजाने को किस तरह लूटा जाए आप इनसे सीखिए, इनके कारनामे देखिए। हमारे अतर अशरफी साहब ने बताया कि चुनकर आने के बाद हमने जो है नगर उत्थान से 10 करोड़ 78 लाख रुपए का फंड आगरा रोड के लिए मंजूर करवाया। इन्होंने हमारा काम शुरू हो उससे पहले इन्होंने कॉर्पोरेशन की जनरल बोर्ड में आगरा रोड को के काम को मंजूरी दी और तकरीबन 13 करोड़ रुपया उन्होंने सीमित रोड के लिए मंजूर किया और वो कितना था आप देख सकते हैं। वो रोड बना, बताया ये गया था कि नेशनल कंपाउंड के आगे तक रोड बनेगा, ठेकेदारों ने रोड बनाया तो नूर बाग के गेट तक बनाया। दूसरा जो टप्पा था उसके लिए इसी तरह फंड मंजूर किया गया और ये काम कहां तक पहुंचेगा आप भी देखोगे। ये रोड पूरा नहीं होगा, रोड पूरा करने के लिए हमें मजीद फंड ला करके काम करना पड़ेगा। 10 करोड़ 78 लाख रुपया सरकार दे रही थी वो न लेते हुए
कॉर्पोरेशन के पैसे से उन्होंने ये काम शुरू किया। हमने उनसे मिन्नत की, समाजत की कि आप कॉर्पोरेशन का ये पैसा अगर है आपके पास तो हमारे गांव में 50 रोड ऐसी हैं जो आपकी तवज्जो की मुस्तहिक है, आप ये इन पैसों से उन रोडों की तामीर कर दे और महाराष्ट्र सरकार के पैसे से आगरा रोड बनना है उसे बनने दे। लेकिन हमारा काम कैसे रोका जाए, ये चंद मिसालें हैं जो मैंने आपके सामने रखी। मैंने इस इदारे के अशरफिया फाउंडेशन और इसी तरह यहाँ जो अशरफिया एकेडमी है और इश्तियाक कुरैशी जैसे जो जियाले हैं उनसे हमने वादा किया था कि आप जो कहोगे हम करके देंगे। उन्हीं कामों में से एक काम इस हाल की तामीर की, इसके लिए तकरीबन 30x40 का हॉल बनेगा, 35-50 का हॉल बनेगा और इसके लिए मैंने 25 लाख रुपया फंड दिया है और आपसे जिम्मेदारान की मौजूदगी में मैं इस बात का वादा करता हूँ कि आइंदा अगर इसमें मजीद रकम की जरूरत होगी वो रकम भी मैं इंशाल्लाह एमएलए फंड से दूंगा। और अभी हमारे सामने अशफाक सर ने एक तकाजा रखा कि यहाँ पर जो है जिम खाने की तामीर हो, मैं उनके इस प्रोग्राम से इत्तेफाक रखता हूँ। हमारे शहर के अंदर अगर इस तरह के काम काज हो, यानी अगर जिम खाना बनता हो, तो हमारे नौजवानों में अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को लेकर के जज्बा परवान चढ़ेगा और ये जज्बा नशा मुक्त मालेगांव के लिए इंशाल्लाह कारामद और मुफीद होगा। बाकी ये हमारे बुजुर्गों ने पहलवानी के अखाड़े रखे थे, उस जमाने में जिनको इस बात का शौक होता था वो अपनी सेहत तंदुरुस्ती के लिए दीगर तमाम वो बुराइयां जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं उससे किनारा कश होकर के किसी न किसी अखाड़े से जुड़े रहा करते थे। आज उसकी एक नई शक्ल है जिमखाने की शक्ल में, तो इंशाअल्लाह आने वाला जो एमएलए फंड होगा उससे अपने जिमखाने के लिए मैं इंशाअल्लाह फंड दूंगा। आज इस मौके पर पूरा शहर इस बात को लेकर के परेशान है कि मालेगांव शहर के अंदर नए नए नशे वजूद में आ रहे जिनका नाम भी माजी में हमने और हमारे बड़ों ने सुना नहीं था, आज वो चीजें नशे के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है और आज हमारे छोटे छोटे बच्चे नशों के आदि हो रहे हैं। और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गांजा बेचने वाले और पूड़ी बेचने वाले और इसी तरह गुटखा बेचने वाले और कुत्ता गोली और दीगर नशा और चीजों के बेचने वाले लोगों की आज सियासी पार्टियों के जिम्मेदारान सरपरस्ती कर रहे हैं, उनके दरमियान इलाकों की तकसीम कर रहे हैं। गांजा बेचने के लिए जब गांजा बेचने वालों के आपस में झगड़ा हुआ तो माजी आमदार साहब ने बैठ करके उनके दरमियान तस्वीर कराया और वो ये कि मोहम्मद अली रोड के इस तरफ ये तेरा इलाका होगा, यहाँ तू गांजा बेचा करना और मोहम्मद अली रोड के उस तरफ जो इलाका है वहां पर तू गांजा बेचना। गहरी बात है, लोग हमने बड़ों से सुना कि ये दीवारों को कान होते, यानी जो बात कमरे बंद कमरे में की जाती है वो बात भी बाहर के लोगों तक आ जाती है और बताता कौन है, दीवार सुनाती है, दीवार बोलती है और बताती है कि इन्होंने अंधेरे में बैठ करके दरवाजा बंद करके क्या बात की थी। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर दीवारों को कान होता है तो दीवारों को आंख भी होती, वो बता देती है कि कौन कौन लोग थे। आज नशा आवर चीजों की वजह से हमारा पूरा समाज मुतासिर है और उन घरानों के जिम्मेदारों से आप पूछो जिनके बच्चे नशे के आदि हो गए। आज शहर के अंदर जो कत्ल वारदात करीब बढ़ रही है, मर्डर हो रहा है और इसी तरह जो है 307 के हाफ मर्डर के केसेस बन रहे हैं, आप अगर देखोगे तो ये वो हमारे बच्चे होते हैं करने वाले जो नशे के आदि होते, यानी जब नशा कर लेते हैं तो उनको पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। एक चीज अगर उनके दिलो दिमाग में बैठ गई कि बस हमें इसको मारना है तो बस मारना है, दूसरा कुछ उनको सुझाई नहीं देता। हमारा ये इलाका अभी आपने सुना, अशफाक सर ने बताया
कि हमने इस बात की कोशिश की है कि इस इलाके में जो नशा और चीजें बेची जाती हैं उसके सरजेबाब के लिए हम जिम खाने की तामीर करेंगे। मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि यह हाल तो बन जाएगा, जिम खाना भी बन जाएगा, लेकिन ऐसे लोग जो हमारे समाज को खोखला कर रहे हैं और हमारे मुस्तकबिल को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, ये बच्चे कल हमारा मुस्तकबिल बनेंगे। आज अगर ये नशे के आदि हो गए तो जाहिर बात है कि पूरा मुस्तकबिल हमारा तबाह और बर्बाद हो गया। इन बच्चों को नशा और चीजों के इस्तेमाल से रोकने के लिए जो लोग नशा आउर चीजें बेचते हैं आप उनकी निशानदेही कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों का ये कारोबार बंद हो और समाज को जिस तरह, आने वाली नस्लों को जिस तरह ये नशे का आदि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये दरवाजा बंद होना चाहिए। ये हमारी शरीर और सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि अपना मुस्तकबिल महफूज करने के लिए इन तमाम चीजों को हमारी हमारे इलाके से खत्म करना होगा। और वो नौजवान या वो लोग जो नशा आउर चीजों को बेचते हैं उनको ये बात समझ लेना चाहिए कि अगर तुमने किसी घर का मुस्तकबिल तबाह और बर्बाद किया तो तुम्हारा घर भी महफूज नहीं रहेगा, तुम्हारा घर भी महफूज नहीं रहेगा। ऐसे शख्स से मेरी मुलाकात हुई है कि जो गुटके का कारोबार किया करता था और कर रहा है, उसका बेटा 24 घंटा गुटका खाता रहता है। उसको मैंने कहा कि ये कितना खाता है, बोले उसकी आदत हो गई। जाहिर बात है दूसरों के बच्चों के लिए गड़ा होता था, उसका बच्चा खुद उसमें गिर रहा है। यानी बाप के मना, बाप मना भी नहीं कर सकता ना, इसलिए कि बाप खुद ही बेच रहा है, कारोबार कर रहा है तो वो मना भी नहीं कर सकता। इस तरह के हालात है। अगर तुम किसी के बच्चों का मुस्तकबिल तबाह और बर्बाद कर रहे हो तो मुतमईन मत रहना, तुम्हारी आने वाली नस्ल भी तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगी, वो भी इसी रास्ते पर चलेगी और तुम्हारे खानदान का मुस्तकबिल तबाह और बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आज इस मौके पर जिम्मेदारान शहर मौजूद है, उलमाए किराम मौजूद है, उनकी मौजूदगी में मैंने दो बातें कही है कि जिमखाने के लिए और इस हाल के लिए मजीद फंड की जरूरत होगी इंशाअल्लाह मैं दूंगा। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हजरात ने इस मौके पर इस हॉल की तामीर के संगे बुनियाद के मौके पर शहर के जिम्मेदारान ने जमा किया, इलाके के जिम्मेदारान मौजूद हैं। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ और आपसे आखिरी बात कह करके अपनी बात खत्म करूँगा कि हमें अपनी इज्जत की और अपने घर की और अपने शहर के वकार की हिफाजत खुद करनी होगी। हमें ये तय करना होगा कि ये शहर हमारा घर है और हमें ये तय करना होगा कि ये बच्चे जो किसी और के बच्चे हैं ये हमारे बच्चे हैं, इनका मुस्तकबिल महफूज रहे, इनकी जिंदगी तबाह हो बर्बाद ना हो। तीसरी बात ये कि ये शहर तरक्की करे, यहाँ के रहने वालों को बुनियादी सहूलतें मिले, रोड है, गटर है, लाइट है, पानी है, इलाज और मुआवजा, ये बुनियादी सहूलतें हैं उनको मिलनी चाहिए। इस सिलसिले में हम लोग भी जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। इस काम के लिए आप सभी लोगों का ताउन, आप सभी लोगों का साथ चाहिए और ये शहर हमारा शहर है, इसको बनाने और संवारने के लिए हम तमाम की जिम्मेदारी है। अगर हम अपनी जिम्मेदारी को महसूस करेंगे और उस जिम्मेदारी को अदा करेंगे तो मुश्किल नहीं है शहर का सजना और संवरना। हमने अगर तय कर लिया तो इंशाअल्लाह हमारा ये शहर निगर शहरों की तरह तरक्की भी करेगा, यहाँ के रहने वालों को बुनियादी सहूलतें भी मिलेंगी, यहाँ के रहने वालों को रोटी रोजी के लिए कारोबार भी मिलेगा और वो सारी सहूलतें जो एक इंसानी जिंदगी के लिए उसकी जरूरत है उसकी भी तकमील होगी। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूँ कि उसने अपने महबूब के सदमे में हमें खिदमत का मौका दिया है। अल्लाह ताला हमारी मदद करता है और काम करने में हमारे लिए आसानियां पैदा हो और जितनी रुकावटें इस रास्ते में आती है अल्लाह ताला अपने महबूब नबी के सदमे में आफियत के साथ उसे दूर फरमा दे। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में एक अपील है मेरी, हर साल जब बारिश का मौसम आता है तो नदी नालों में पानी आता है और बहुत अजीब बात,
मालेगांव के लोग रिक्शा भर भर करके, बड़े बड़े लोग अपनी पूरी फैमिली लेकर के उनको पानी दिखाने के लिए पहुंचे। राइट बात है, बारिश का मौसम है, नदी नालों में पानी ही आएगा। ये सत्ता पत्ता पहाड़ के पीछे तालाब है, वहाँ गए अपने साथियों के साथ और साथियों के मना करने के बावजूद वो लोग पानी में नहाने के लिए उतर गए और तीन आपको वो डूब करके मर गए। उससे पहले एक बच्चा गिरना नदी के अंदर अच्छा तैराक था, लेकिन जब वो पानी के बहाव में आया तो फिर वो अपने आप को बचा नहीं सका। ये 6 मैयत हो चुकी है। इसलिए सरपरस्तों से मेरी ये गुजारिश है कि अपने बच्चों को मना करें, बच्चों पर नजर रखें और